अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने बॉन्ड हैबिट साइकिल डिस्कस किया था, जो कि उसका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था और साइकिल ड्रॉ किस तरह करना है वो आज हम देखेंगे। और कल जितनी भी हमने इसमें जो डेफिनेशन थी, यानी कि स्टेप 1, 2, 3, 4 और 5 में जो भी इंथैल्पीज इन्वॉल्व थी, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, डिसोसिएशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी और लैटिस इंथैल्पी, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम इसका, जिसे आपने नेट रिएक्शन भी देख लिया था, आज हम इन सारे स्टेप्स को कंबाइन करके साइकिल ड्रॉ करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीक से रेगुलर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 19 अप्रैल से इन कॉलेज। और फिर हम लास्ट चैप्टर देखेंगे और उसके बाद आपका प्री बोर्ड होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, इन सारे स्टेप्स को कंबाइन करना है और इन कंबाइन करके इन स्टेप्स के लिए हमने ड्रॉ कर लेना है एनर्जी साइकिल। तो हमारे पास स्टेप कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो हमारे पास है सोडियम, और जो है सोडियम की सब्लिमेशन हो रही है वो वाला स्टेप है। आपके पास इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। अच्छा, अब आपने ये इस सारे स्टेप्स का आपको पता होना चाहिए और आपने साइकिल ड्रॉ किस तरह करना है वो आपको पता होना चाहिए, फिर हम साइकिल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या था, आपके पास कौन सा स्टेप है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि है हमारा के नेट रिएक्शन, जो कि सबसे टॉप पे लिखा हुआ है आपके पास। सेकेंड स्टेप में क्या है, आपके पास ये सब्लिमेशन ऑफ सोडियम है, नॉट एटमाइजेशन, ये गलत मेंशन यहाँ पे, ये सब्लिमेशन ऑफ सोडियम है। सोडियम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम। इसके साथ में आप लिखेंगे डेल एच एस, विच इज 1.08 किलो जौल पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है हाफ मॉलिक्यूल जो क्लोरीन के हैं हमारे पास, वो कन्वर्ट हो गए हैं अपने एटम में, तो ये एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गई। देन आपके पास फोर्थ स्टेप क्या है, सोडियम की आयनाइजेशन, सोडियम अपने आयन में कन्वर्ट हो गया अपना आउटर मेश शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, ये आयनाइजेशन ऑफ सोडियम हो गई। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है क्लोरीन की, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, गेन किया इन फिफ्थ स्टेप, और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, और ये आपके पास हो गई, आपके पास फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉर क्लोरीन, क्लोराइड आयन, क्लोरीन, ठीक है। लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होगी, लेटेस्ट एंथैल्पी क्या है, जब आपके पास आइसोलेटेड गैशियस एटम कंबाइन करके आपके पास एक सॉलिड 1 मोल ऑफ सॉलिड लेटेस्ट कंपाउंड दे रहे हैं, तो ये आपके पास लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। हमने पढ़ा था लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और फॉर्मेशन, ठीक है, लास्ट लेक्चर में दोनों चीज़ें देखी हैं। आइसोलेटेड गैशियस एटम ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन, ये कंबाइन करके आपको सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में दे रहे हैं, तो ये आपके पास लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होगी। इन सारे स्टेप्स को हम कंबाइन करेंगे और एक साइकिल की फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे। अब ये आपके पास क्या है, डाउनवर्ड एरो आपके पास कब शो होगा, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तब डाउनवर्ड एरो है, बाकी जब अपवर्ड एरो है तो आपके पास ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये आपके पास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो रिएक्शन हो रहा है ये आपके पास एंडोथर्मिक है, तो अपवर्ड एरो है। डाउनवर्ड एरो जिस जिस स्टेप में है वो आपके पास क्या है, एक्सोथर्मिक है। और बेसिकली हम ये कर किस दे रहे हैं, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि आपके पास ये जो सारे के सारे आपके पास ये रिएक्शन गिवन है, इनके सब की एनर्जीज गिवन है, तो जो लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड है, जब आपके पास ये वाला स्टेप जो है आपके पास ये, ठीक है, सिक्स स्टेप जो है, इसके लिए हमने कितनी इंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट इंथैल्पी, कितनी एनर्जी यानी कि जो है इस बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस में रिलीज हुई है, डेल एच एल फॉर सोडियम क्लोराइड हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है और बाय यूजिंग बॉन्ड हैबर साइकिल, ठीक है। इसके लिए हम बॉन्ड हैबर साइकिल ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अब आपने साइकिल भी ड्रॉ करना है और इसके अलावा हमने किस तरह से करनी है, ये चीज़ हम डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं कि डेल एच एफ हमारे पास क्या है, जो इंथैल्पी, ये इस फर्स्ट रिएक्शन के लिए, डेल एच एफ फॉर दिस फर्स्ट रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, नेट रिएक्शन हमारा यही था, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। नेट रिएक्शन किसके इक्वल है, आपके पास इन सारे रिएक्शन के इक्वल है, इनका आप सम लेंगे, एक तरह से आप इसके लिए नेट रिएक्शन लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होंगी। जैसे आपके पास यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि आपके पास ये सोडियम गैशियस यहाँ दोबारा यूज़ हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, सोडियम पॉजिटिव आयन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, क्लोराइड आयन जो है वो चीज़ यहाँ दोबारा यूज़ हो रही है वो कैंसिल होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल होता है, तो आपके पास नेट रिएक्शन क्या बचता है कि आपके पास ये चीज़ नेट रिएक्शन रह जाती है, सोडियम सॉलिड प्लस हाफ क्लोराइड मॉलिक्यूल गैशियस एंड सोडियम क्लोराइड सॉलिड, इस रिएक्शन ये आपके पास नेट रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। इन सब की हमें एनर्जी इंथैल्पी पता है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हमें जस्ट फाइंड आउट करनी है फॉर दिस सिक्स स्टेप, जिसको येलो से हाईलाइट भी किया गया, लेटेस्ट इंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास नेट रिएक्शन किस चीज़ के इक्वल है, आपके पास इन सब के सम के इक्वल है, नेट रिएक्शन हमारे पास ये चीज़ है, ये फर्स्ट स्टेप वाला, वो किसके इक्वल है, इन सब के सम के इक्वल है, ठीक है। सब्लिमेशन
ये आपके पास क्या है, डेल एच ऑफ सब्लिमेशन प्लस इंथैल्पी चेंज ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन प्लस इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज फॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और डेल एच एल यानी कि इंथैल्पी चेंज ऑफ लेट या लेटेस्ट इंथैल्पी फॉर सोडियम क्लोराइड, हमने ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हमने सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी, और जो नेगेटिव वैल्यूज़ है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो भी हमने साथ में इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट में नेगेटिव साइन के साथ पुट कर दी। डेल एच एल उसी तरह से रहेगा। अच्छा, अभी डेल एच एल को आप साइड पे ले जाएं, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स है, और बाकी सारा फैक्टर जो है दूसरी साइड पे ले जाएं, और सिंपली सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करके आप जब डेल एच एल फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास कितना आता है, -787 किलो जौल पर मोल, ठीक है। -787 किलो जौल पर मोल आपके पास वैल्यू आ जाती है, यानी कि इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आपके पास है -787 किलो जौल पर मोल। अब आपने ये चीज़ तो फाइंड आउट कर ली, इनके आपके पास जितनी भी सारी हर स्टेप के साथ आपको इंथैल्पी चेंज गिवन था उसको यूज़ करके आपने कोई एक फैक्टर जो अननोन था, कोई सी भी लैटिस इंथैल्पी अननोन है या इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, कुछ भी आपके पास डेल एच किसी भी स्टेप का अननोन है और बाकी सब स्टेप्स का गिवन है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली, लेकिन अब आपने साइकिल किस तरह से ड्रॉ करना है ये हम करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में। मैं आपको साइकिल ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि आपको पता होना चाहिए कि साइकिल आपने बेसिकली ड्रॉ किस तरह से करना है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको स्टेप वाइज हम चलेंगे, हर स्टेप को लेकर चलेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या है, सोडियम क्लोराइड आपके पास है, कि रिएक्शन हमारा, अब सारे रिएक्शन जितने भी हमने 5 स्टेप्स लिखे हैं वो सारे अब साथ साथ हमारे पास चलते जाएंगे, हम सोडियम और क्लोरीन दोनों को साथ लेके चलेंगे। ऑब्वियसली रिएक्शन जो है हमारे पास वो कंबाइन हो रहा है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि सोडियम आयन यूज़ हो रहा है या क्लोराइड आयन यूज़ हो रहा है, हमारे पास कंबाइन यूज़ हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम सबसे पहले साइड पे, तो आपके पास ये चीज़ आ जाता है कि एनर्जी का एरो आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास साइड पे एनर्जी का एरो है, ठीक है। इसके हिसाब से आपने साथ में साइकिल पूरा का पूरा ड्रॉ करना है। अब सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ है, बेस पे आपके पास क्या चीज़ है, सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे, जो कि आपके पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अब ये मैं जैम बोर्ड यूज़ कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा रफ होगा। सोडियम क्लोराइड आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, ये चीज़ आपके पास एंड प्रोडक्ट आपकी बन रही है, और एंड प्रोडक्ट ये बन रही है, और इसके अलावा जब आपके पास लैटिस इंथैल्पी है वो भी आपने इसी की फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास सारे स्टेप्स को अब हम कंबाइन करते जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास डेल एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम है, जो आपके पास नेट रिएक्शन है वो किस तरह से लिखा गया है, वो आपके पास नेट रिएक्शन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। नेट रिएक्शन में आपके पास क्या इन्वॉल्व है, सोडियम सॉलिड प्लस हाफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, जो कि किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। ये चीज़ आपके पास है नेट रिएक्शन में, और ये आपके पास क्या है, ये आपको दे रहा है सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। और इसको आप क्या कह रहे हैं, डेल एच एफ यानी कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे आप सबस्क्रिप्ट में एफ लिख देंगे डेल एच के साथ, और इसकी आपके पास डेल एच एफ की वैल्यू है यहाँ पे -411, ठीक हो गया। ये आपने अपनी बुक में देखते जाना है। अब ये हमने इस तरह से डाउनवर्ड एरो के साथ क्यों लिखा है, क्योंकि जब सोडियम सॉलिड और हाफ क्लोराइड गैशियस जो मॉलिक्यूल हैं वो कंबाइन हो करके आपको सोडियम क्लोराइड दे रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हो गई। अब ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व हुई है, माइनस साइन इसीलिए, नेगेटिव साइन इसी वजह से, -411 किलो जौल पर मोल हीट इवॉल्व हुई है, तो आपने इसको डाउनवर्ड एरो के साथ लिखा है। इसके अलावा क्या है, अब हम अगर स्टेप वाइज आगे चलते जाएं, अब ये सोडियम आपके पास यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये चीज़ जो है आपके पास सोडियम जो है आपके पास क्या हो जाएगा, सब्लाइम हो गया, यानी सोडियम साथ में गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और अब हम नेट रिएक्शन, अब हम पूरे रिएक्शन को लेके चल रहे हैं, तो हम साथ में ये हाफ क्लोरीन इसी एज सच लिखते जाएंगे, हाफ क्लोराइड जो है आपके पास गैसियस फॉर्म में उसी तरह से रहेगा, ठीक है। ये आपने उसी तरह से लिखते जाना है, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो गया, डेल एच एस, ये है आपके पास इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 108 किलो जौल। अब ये अपवर्ड एरो के साथ हमने लिखा है, अपवर्ड एरो के साथ क्यों लिखा है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब हुई है और एनर्जी या हीट टॉप वाली साइड पे ही इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने इसे अपवर्ड एरो के साथ लिखा है। जब भी एक्सोथर्मिक होगा तो आपने इस एरो के अपोजिट चलना है, यानी डाउनवर्ड एरो लिखेंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपके पास सब्लिमेशन, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन ऑफ सोडियम। अच्छा, सब्लिमेशन होगी, सोडियम सॉलिड से गैशियस में चला गया, अब गैशियस से किस में जाएगा,
अपने आयनिक फॉर्म में, आयन की फॉर्म में जाएगा, सोडियम प्लस आयन। ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये भी इसी तरह से टॉपवर्ड और अपवर्ड एरो से लिखा जाएगा। सोडियम गैस से किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस चार्ज में आ गया इस पे, ये आपके पास आयन में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन इसका रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, और हाफ क्लोराइड उसी तरह से साथ में, हाफ क्लोरीन मॉलिक्यूल उसी तरह से साथ में चलता जाएगा। अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। ये हो गया आपके पास, और ये चीज़ क्या थी, ये जो स्टेप था ये है आपके पास डेल एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह से आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है आयनाइजेशन एनर्जी, और ये किसके इक्वल है, ये यहाँ पे इक्वल है 496 किलो जौल। ठीक है, ये आपके जो आपका बॉर्न हैबर साइकिल है उसके पहले तीन स्टेप हो गए। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, या फिर मैं नेक्स्ट फ्रेम यूज़ करूँगी। नेक्स्ट फ्रेम हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें अब हमने वही चीज़ें, हमने दोबारा से, अब हमने थर्ड स्टेप से हम आगे चलेंगे। अब हमने आयनाइजेशन एनर्जी देख ली, सबसे पहले तो हम साइड पे एरो ड्रॉ कर लेते हैं एनर्जी का। ठीक है, अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी देख ली। अब हमारे पास सोडियम जो है किस फॉर्म में आ गया, सोडियम अब हमारे पास किस फॉर्म में आ चुका है, सोडियम अब हमारे पास गैसियस फॉर्म में आ चुका है और आयनिक फॉर्म में आ चुका है, साथ में इलेक्ट्रॉन उसका रिलीज हो गया, प्लस हाफ क्लोराइड आयन जो है वो उसी तरह से हैं गैसियस फॉर्म में। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, एंडोथर्मिक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, डेल, ये आपके पास क्या है चीज़ है, ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास रिएक्शन है, सोडियम हमारे पास रहेगा इसी तरह से गैसियस फॉर्म में, सोडियम तो आयन बन चुका है, इससे नेक्स्ट स्टेप तो इसका कोई भी नहीं है। अब हमारे पास ये स्टेप जो है, इलेक्ट्रॉन इसी तरह से रहेगा, और अब क्या हुआ है, क्लोरीन जो है हाफ क्लोराइड मॉलिक्यूल थे, अब ये क्या हो गई है, एटमाइजेशन हो गई है, डेल एच ऑफ ए टी हम साथ में मेंशन करेंगे, ये क्या है, एटमाइजेशन हो गई, और इसके लिए वैल्यू है 121 किलो जौल। ठीक है, ये क्या है, हाफ जो क्लोराइड मॉलिक्यूल थे इनका बॉन्ड ब्रेक हो गया, और क्लोरीन क्लोराइड जो सॉरी क्लोरीन मॉलिक्यूल जो थे वो सिंपल एटम में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्लोरीन, एक सिंगल क्लोरीन एटम रह गया। अब क्या होगा कि अब आपके पास इसके बाद दोबारा से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम इसको डाउनवर्ड एरो के साथ देखेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस तरह से है आपके पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है कि अब आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। ठीक है, जिस तरह से सोडियम पहले सब्लाइम हुआ, सोडियम सॉलिड से गैसियस में गया, गैसियस से आयनाइजेशन एनर्जी हुई आ गई उसकी, और वाइन में कन्वर्ट हो गया। अब क्लोरीन की किस बारी थी, क्लोराइड पहले हाफ क्लोराइड मॉलिक्यूल से वो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हुआ, एटमाइजेशन, और अब डाउनवर्ड एरो से काम शुरू होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ डाउनवर्ड एरो हम लिखेंगे, क्योंकि अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है। क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है, डेल एच ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, क्लोराइड जो एक सिंगल आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में एक एटम है, उसने अपना उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, और अपने जो है आयन में कन्वर्ट हो गया। हमारे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन यही वाला उसने गेन किया, ये जो हमारे पास यहाँ वाला लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया, सोडियम प्लस आयन साथ में क्लोराइड नेगेटिव आयन। ठीक है, अब दोनों किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, ये दोनों के दोनों अब गैसियस फॉर्म में है, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी थी, -349 किलो जौल पर मोल, तभी इसको डाउनवर्ड एरो के साथ दिखा गया है। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, सोडियम और क्लोराइड दोनों गैसियस फॉर्म में आ गए, और ये चीज़ अब आपके पास जाके डाउनवर्ड जाके क्या बनाएगी, दोबारा से यहाँ से हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था, यानी कि यही चीज़ बन जाएगी सोडियम क्लोराइड सॉलिड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड यही चीज़ दोबारा बन जाएगी, और इसको इस लास्ट में इस स्टेप को हम कह रहे हैं डेल एच एल, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी, जो हमने अभी सम अप करके फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो आपका जो बॉर्न हैबर साइकिल है वो स्टार्ट किधर से हो रहा है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड। अब आपके पास नेट रिएक्शन कौन सा है, ये वाला जो नेट रिएक्शन ये है, सोडियम प्लस हाफ क्लोराइड गैसियस आयन मिलके आपको सोडियम क्लोराइड दे रहे हैं, इसको आप कह रहे हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जब पूरा बॉर्न हैबर साइकिल ड्रॉ किया है, तो आपके पास क्या चीज़ है, नेट रिएक्शन के अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो सारे करने के बाद हमें पता चला है कि एंड पे प्रोसेस हो कैसे रहा है, सोडियम आयन भी बन जाता है और क्लोराइड आयन भी गैशियस फॉर्म में, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है कि आइसोलेटेड गैशियस आयन्स कंबाइन करके हमें सॉलिड सोडियम क्लोराइड देते हैं। तो ये जब आपका पूरा का पूरा बॉन्ड हैबर साइकिल ड्रॉ होता है, तो वो आपके पास इस तरह से इसकी लुक आती है, जैसे कि ये यहाँ पे
आपके पास ये चीज़ बनी हुई है, ठीक है। इस तरह से आपके पास पूरा का पूरा ये साइकिल आपके पास इस तरह से ड्रा हुआ होता है, जैसे इस स्लाइड पे ड्रा हुआ हुआ है। अब ये जो है हमारे पास इतना एक्यूरेट नहीं था, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी, आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए मैंने आपको वो ड्रा करके दिखा दिया। आपने उसको फॉलो करना है, अपनी बुक से देखना है, स्टेप्स आपको बेसिकली समझ आने चाहिए, और बाकी आपने अपनी बुक से देखना है साइकिल को कि किस तरह से वो हो रहा है। इसी को सामने रखते हुए आपने सेल्फ चेक एक्सरसाइज करनी है 11.6, जो कि आपके पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए, ठीक है। इसमें आपके पास सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, यानी कि मैग्नीशियम आयन और मैग्नीशियम पे के +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2, उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। और इसके अलावा आपके पास क्या है कि इसके साथ साथ सब्लिमेशन ऑफ मैग्नीशियम है और आयनाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम +2। आयनाइजेशन क्या है, बेसिकली मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 आयन में जो कन्वर्ट हो रहा है वो चीज़ है। इसको मैं आपको ज़रा मेन मेन इसके पॉइंट्स बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सिंपल ये चीज़ है। ये आई थिंक सो इतना क्लियर नहीं होगा, एक मिनट, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, +2, ऑक्सीजन के ऊपर है -2, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, इसीलिए हम इसके ऊपर चार्ज नहीं मेंशन करते, जस्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, जब मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन जो है मिल रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, जब मैग्नीशियम अपनी सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में जाएगा, इसको आप सब्लिमेशन कहते हैं, ΔHS, कोई भी चीज़ अपने सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में जा रही है, ये आपके पास एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, जब मैग्नीशियम जो आपके पास एटम है, आइसोलेटेड गैशियस एटम, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास लूज करेगा, तो आपके पास क्या है, मैग्नीशियम +2 में जब कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, यानी इसने अपने आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए और इसलिए इसको +2 चार्ज आ गया। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, आपके पास ऑक्सीजन जो है O2, ये जाके अपने इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट हो जाए, गैशियस एटम में सिंपल आपके पास ऑक्सीजन रह जाए, तो वो आपके पास क्या है, ऑक्सीजन, और इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, -2। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन है टू फॉर्म O-1, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ, यही जब आपके पास गैशियस एटम नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, ये अब आप सारे स्टेप्स लिखते जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट भी होंगी, क्योंकि यही देखें ये चीज़ फॉर्मेशन हुई इसकी और यही नेक्स्ट स्टेप में यूज़ होगा। ऑक्सीजन जब सिंपल गैशियस एटम है, ये जब आपके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और आपके पास क्या बना देगा, O-1 गैशियस फॉर्म में, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की इसकी एंथैल्पी गिवन है। फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन तो आपको पता है -2 में की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यही आपके पास O-1 गैशियस फॉर्म में है और ये जाके आपके पास O-2 आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ 1 मोर इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास O-2 बना देगा गैशियस फॉर्म में, तो ये आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ O-1 टू फॉर्म O-2, ठीक है। ये आपके पास सारी एंथैल्पीज गिवन है, आपने इसी तरह से साइकिल ड्रॉ करना है, नेट रिएक्शन लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए लैटिस एनर्जी मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए कितनी है, ठीक है। ये आपके पास बॉर्न हेवर साइकिल मोस्टली आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जीज फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, और आयनिक कंपाउंड आपके कौन से होते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटाशियम क्लोराइड, ये आपके मोस्टली फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के मेटल्स, और आपके पास मोस्टली साथ में हेलोजेंस या जो आपके सेवंथ ग्रुप है उसके ऑक्साइड्स वगैरह के साथ मोस्टली आपके पास आयनिक कंपाउंड्स बने होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, या हेलोजेंस के साथ सोडियम क्लोराइड हो गया, ब्रिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड, इस तरह से। तो ये इनके लिए हम मोस्टली लैटिस एनर्जीज फाइंड आउट करते हैं यूजिंग बॉर्न हेबर्ट साइकिल, ठीक है। इसको आपने देखना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसे बाकी का हम कॉलेज में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।